हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोगों ने भी हम दोनों की तरह होली खेल ली होगी। देखिए हम लोगों ने, हमने लेकिन खेल ली बिल्कुल है। हमने देखिए हम लोगों ने होली खेल ली, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ गुलाल से होली खेली है। ऑर्गेनिक कलर से यूज करे हमने सिर्फ होली में। और आई होप सो आप लोगों ने भी होली खेल ली होगी। अब हमारे यहाँ एक बज चुके हैं, हमारी होली हो गई है। अब हम बस लोग अब जा हम रहे नहाने हैं जा नहाने रहे हैं झाड़ू पोछा और करके साफ और सफाई करेंगे। घर गंदा हो गया होली की नहाएंगे। वजह से, सब लोग आए थे। अब जाते हैं, सफाई करते हैं, फिर नहाएंगे, उसके बाद आराम से हमारा बैठ के होली खाना हो खाएंगे। गया है। हम लोगों की होली हो गई है, आप लोग भी खूब इंजॉय कीजिए। और वंस अगेन आप लोगों को हैप्पी होली। आप सभी होली खेलिए, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखिए और अच्छे से होली इंजॉय कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का होली का बहुत बहुत बधाई हो। और ये देखिए, हमारे यहाँ पे गुजिया बाजार से लेकर अभी आए हैं, मेरे पति लेकर आए थे। तो मैं पूजा के लिए पहले रख देती हूँ 4-5 गुजिया निकाल करके, उसके बाद खा लेंगे अपना बच्चे। तो मतलब जूठा करने से पहले मैं भगवान के लिए थोड़ा निकाल के रख दूंगी, कल भोग लगाऊंगी। कल होली है हमारे यहाँ हरिद्वार में, 18 को ही होली है। तो आज 17 तारीख है, तो 18 को ही होली है। तो उस दिन सुबह में मैं भोग लगाऊंगी नहा धोवा करके भगवान को। तो इसलिए मैं गुजिया 4-5 निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे 1.5 किलो गुजिया लाए हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए एक पैकेट इधर रखा हुआ है, एक पैकेट में से खोल के मैं निकाल रही हूँ। तो इसमें से 4-5 अलग कर लूँगी मैं निकाल करके। ये देखिए, ये जो कागज़ में है ना, वो देसी घी का है। तो देसी घी वाला मैं निकाल के रखूँगी पूजा के लिए। तो और उसमें से इसमें रख दे रही हूँ, और 5 गुजिया मैं रखूँगी, ज़्यादा नहीं, पूजा के लिए। ये देखिए उसमें 5 गुजिया है, तो मैं रख दूँगी अलग पूजा के लिए, पूजा के पास ही रख दूँगी जा करके। और ये फिर अलग अपना डब्बा में रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे एक कलर है, 4 पैकेट। तो कलर भी भगवान को मैं चढ़ाऊँगी कल नहा करके, उसके बाद ही होली खेलेंगे हम सब। तो इस वजह से कलर भी वहीं पे अभी रख दूँगी, पूजा के पास ही सब। और आप सब बताइएगा, आप सबके पास यहाँ पे कब होली है और कैसे खेलें आप सबने होली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और देखिए यहाँ पे मैं बाज़ार से सब्जी भी लेकर के आ गई थी, मतलब फल फ्रूट जो होता है ना, वो लेकर के आई होली के लिए। तो ये देखिए अंगूर हमने 2 केजी लाया है। तो इसको पहले निकाल दूंगी, नहीं तो फिर पन्नी में ख़राब होने लग जाएंगे। तो ये देखिए एक ट्रे है, तो इसमें सारा अंगूर को मैं निकाल के रख दूंगी, क्योंकि कल ही की ज़रूरत है। तो इस वजह से आज बृहस्पतिवार है ना, छोटी होली है, तो उसी दिन बाजार लगता है हमारे यहाँ, हमारे पास में। तो वहाँ से मैं थोड़े सामान लेकर आई थी और फल फ्रूट जो लेकर के आई थी। ये जो ख़राब है उसको निकाल दे रही हूँ बाहर, चिड़िया को डाल दूँगी बाहर, चिड़िया ये सब खा लेते हैं डाल देने पे। और ये देखिए यहाँ पे ये पालक है, पालक भी लेकर के आ गए थे, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी अभी बाहर जा करके। और इसमें और भी लेकर आई संतरा, बहुत छोटे छोटे इस बार आ रहे हैं, तो संतरा मैं 2 किलो लेके आई थी। तो लेकिन बहुत छोटे छोटे इस बार संतरा ढंग के नहीं आया, कभी भी अभी तक ढंग के संतरा आया नहीं। जो पहले बड़े बड़े जो संतरे मिलते थे, नहीं मिल रहे अब, छोटे छोटे ही हैं। पर क्या करें, लेकर के आए हैं 2 किलो। और अमरूद तो घर में खाने के लिए लाए हैं वैसे, और संतरा और जो अंगूर है ना, तो वहाँ पे हम टेबल पे रख देते हैं। जो आते हैं होली खेलने, तो उनको जो इच्छा होता है वह थोड़ा अपना खाते हैं फिर जाते हैं। जैसे कि गुजिया रख दिया, और जो चिप्स पापड़ जो भी हम बनाए हैं सब रख देते हैं तल करके। और नमकीन हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब रखते हैं वहाँ पे। अभी दिखाएंगे हम क्या क्या तैयारियाँ की हैं होली के लिए, क्या क्या किए हैं वो सब दिखाएंगे आपको। और देखिए यहाँ पे अगले दिन यह 18 तारीख है, तो आज हम सुबह नहा लिए हैं, पहले झाड़ू लगाए थे, पोंछा आज नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं उठी थी 7 बजे, उसके बाद मैं नहा ली थी झाड़ू लगा करके।
और सबसे पहले मैं भगवान को यहाँ पे दीपक जला लूँगी, पूजा कर लूँगी, यानी कि और कोई नहीं नहाया है, पहले मैं ही नहा ली हूँ कि दिया तो जलाना ज़रूरी है, त्यौहार का दिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगाया है, जो गुजिया है मतलब, उसको लगाऊंगी अभी, और दिया मैंने जला ली है, देखिए गुजिया है, मैं भगवान को भोग लगा दूंगी और फिर मैं कलर भी लगाऊंगी भगवान को। देखिए मैं कलर के पैकेट एक फाड़ लेती हूँ, पीला वाला कलर जो है, तो मैं भगवान को, सभी भगवान को लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं घर में अपने परिवार को लगाऊंगी। तो देवी सा जग गई है, हम सब जग गए हैं, शुभम अभी नहीं जगा है, शुभम अभी सो ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आरती वगैरह हो गया है, ये देखिए मैं आरती उरती कर ली हूँ और भोग वगैरह मैंने भगवान को चढ़ा दिया है, कलर भी लगा दिया है। और देखिए अब हमारी पूजा हो गई है, तो मैं वहाँ से गुजिया जो चढ़ाई थी उसको मैं उतार लूँगी और सभी को एक गुजिया मैं दे दूँगी प्रसाद के रूप में। देखिए हमारी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। और सभी को वहां पे मैंने पहले रख दिया है, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, तो डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, दही बारे बनाने बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, तो देखिए हल्का हल्का पानी डालना है, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। मैं आधा केजी दाल लाई थी, तो मैं अंदाज से ही एक पोवा भिगो दी थी उड़द का, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, थोड़ा थोड़ा डाल करके और चम्मच से चलाते, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, दही बड़े के लिए मेरे उत्तराखंड में, मुलायम सॉफ्ट बनेगा, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे नंदोई जी आ गए थे, अभी 8:30 हो रहा था तो आ गए थे होली खेलने, तो मैं इनको रंग लगा रही हूँ। और ये देवी सा है, ये देखिए ये देखिए मैं पुआ के घोल तैयार कर रही हूँ, जो कि हमने गुड़ और चीनी का जो पानी तैयार करी हुई थी, तो अब पुआ इसमें बनाएंगे हम, पुआ हमारा बनता है होली का दिन, तो मैं घोल तैयार करने वाली ही थी जब तक हमारे नंदोई जी आ गए थे, तो हम होली खेलने चले गए थे, तो अब वो चले गए हैं, तो उसके बाद उनको चाय वगैरह पिलाई सब कुछ की,
तो चले गए थे। उसके बाद मैं फिर पुआ के घोल तैयार करने लग गई हूँ बनाने के लिए। तो देखिए ये हमारा पुआ बनने लग गया है, इस तरीके से बनता है, एक एक डाल करके बनता है। और देखिए मेरे मुंह पे कितने सारे कलर लगे हुए हैं, सब आए और लगा के चले गए हैं। तो ये देखिए मेरा पुआ, इधर छोले भी बन के तैयार हो गए हैं और दूसरे तरफ मैं पुआ को बना रही हूँ, पुआ बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कलछी से एक एक कलछी डाला जाता है, एकदम धीमी आँच पे ना इसको पकाना होता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। देखिए जब रंग लगा कर गए थे तो मैं अपनी चुन्नी में ही सारा रंग को पोंछ ली थी, गुलाल था। यहाँ रंग से कोई होली नहीं खेलता, गीला वाला ज़्यादा नहीं खेलते, बच्चे लोग खेल लेते हैं, यहाँ सिर्फ गुलाल से खेला जाता है होली। देखिए हमारा पुआ कितना अच्छा फूल गया है, और अभी पका नहीं है तो इसलिए अभी थोड़ा सा चिपका हुआ है नीचे, अभी पक जाएगा तो उखड़ जाएगा फिर। और ये देखिए फिर हम दही बड़े, इसी में जब पुआ हमारा पूरा बन गया था तो हम दही बड़े तलने लग गए थे, पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, तो इसको भी मैं तल लेती हूँ, तल करके रख दूँगी, क्योंकि आज तो कोई दही बड़ा वैसे खाता नहीं है, मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो बैठ के खाएंगे, बाद में लोग आते हैं तो तल के जैसे रख देंगे तो बाद में लोग आते हैं ना, तो गर्म पानी में भिंगो करके और फिर फटाफट बना करके